सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब कोमा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चोट कैसे लगी मैं बताता हूँ। लोगों ने क्या FIR में लिखा था या जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि पुरानी दीवार थी उसको गिरा दिया और लोगों ने क्या बोला कि एक्सीडेंट उसको दिखाने की कोशिश की गई। मेरे फ़ोन में वो दीवार का फोटो है जो दीवार गिरा था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग बताइए कि वो दीवार पुरानी है नहीं है, दैट्स अप टू यू। आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। और एक चीज़ ये बोलूँगा मैं कि सभी लोगों को पता, आई थिंक यहाँ जितने लोग हैं, कि मैं पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उस समय सांसदी का चुनाव होने वाला था, ठीक है, ये सबको पता है। और उसी समय ये मैटर हुआ था। तो ये वो दीवार है, आप लोग देख सकते हैं कि जो गिरा हुआ था। आप दिखाइए, इसमें कुछ दीवार है, आप जूम करके इसको देखिए। नहीं, और भी फोटोज है, मैं दिखाता हूँ। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि मेरा नाम एक अच्छा खासा ख़राब कर दिया लोगों ने। आप ये देखिए फोटो है, ये दीवार है, ये पुरानी दीवार है। लोगों ने बोला, और ये दीवार कैसे गिरी, ये पाइप दिख रहा है, पानी भर रहा था उस टब में, पानी के प्रेशर से वो दीवार गिर गई है, ठीक है। और ये पाइप भी दिख रहा है इसमें साफ साफ कि पाइप भी दबा हुआ है दीवार के नीचे, ठीक है। इस पानी भर रहा था उसके प्रेशर से वो दीवार गिर गई थी, जिसकी वजह से बच्चा मर गया, ठीक है। ये कांड मेरे घर पे हुआ था, ये फैक्ट है। लेकिन मरने का वजह यह था कि ये दीवार गिर गया था, उसकी वजह से मर गया। लेकिन अब वहाँ के नेता लोगों ने, पॉलिटिशियन लोगों ने क्या कर दिया, उस एक्सीडेंट को मर्डर में कन्वर्ट कर दिया। वो लोग ये चाहते थे कि मेरे पिताजी इस बार सांसदी चुनाव नहीं लड़ें, इसके वजह से ये मैटर को बढ़ा पाते, मैटर को डाइवर्ट करके उसको 302 का हत्या लगा दे। जो ये केस हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ, उसके तहत 304B का केस लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने 302 का FIR करवा दिया। अब और रही बात मेरे नाम की, तो मेरी फैमिली में इतना कुछ होगा तो मेरा नाम तो ऑब्वियसली आना ही है, मैं रहूं या नहीं रहूं, फैक्ट है, मेरा नाम आना ही आना है, ठीक है। तो मेरा नाम भी FIR में था। और रही बात FIR की, तो FIR आप किसी के भी नाम पर कर सकते हैं। भगवान श्री राम पर भी केस हुआ था हमारे सीतामढ़ी में, ठीक है। तो FIR करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, FIR हो सकता है। और रही बात जो मैं यहाँ आज बैठा हूँ, तो मेरा नाम जो लिखा हुआ था, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, SP ने इन्वेस्टिगेशन किया था, वहाँ के हमारे DM ने किया था, और IO जो था वहाँ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने किया था, CO उस थाने का, सभी लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था। तो वहाँ के लोगों ने गवाही दिया कि मैं मौके पर था नहीं, मेरा शूट चल रहा था। आई थिंक, मुझे लगता है जो हमारे ट्रेड के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सबको ये बात पता है कि उस टाइम मैं देवरिया में शूट कर रहा था। तो लोगों ने पता किया कि गांव के लोगों ने बोला कि मैं नहीं हूँ, और जो मेरा फ़ोन नंबर है, जो मेरा मोबाइल नंबर है, उसको ट्रेस किया कि मेरा एग्जैक्ट उस समय जब ये कांड हुआ तो उसका लोकेशन कहाँ था। तो मेरा लोकेशन घर पे था ही नहीं उस एरिया का, ठीक है। तो उस बेसिस पे पुलिस ने मेरा नाम निकाल दिया। पुलिस ने एक कागज़ दिया, ये पेपर हाईकोर्ट में जमा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विशाल का नाम नहीं है इसमें, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा थाने का जो SO है, उन्होंने चार्जशीट में दायर किया है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विशाल का नाम नहीं था, मौके पे नहीं था, उसका कॉल डिटेल निकालने के बाद, फ़ोन ट्रेस करने के बाद, या वहाँ के लोगों के बयान के हिसाब से मैं नहीं था, उस हिसाब से मेरा नाम निकाला गया। और रही बात मेरे जेल जाने की, तो मैं जेल नहीं गया था बॉस। यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि बॉस जेल में चले गए ऐसा वैसा, तो मैं जेल नहीं गया था। इसलिए नहीं गया क्योंकि जब ये कांड हुआ तो मैं घर पर था ही नहीं। जब मैं घर पे था नहीं तो पुलिस पकड़ेगी कैसे, जो लोग घर पे थे उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इसमें देखिए, मेरे घर में जो बच्चे 8 साल का, उसका भी नाम है। मेरा भाई है एक सम्राट, 8 साल का बच्चा, उसका भी नाम है। आप देखो इसमें FIR में 6 लोगों का नाम है। तो इट मीन्स मेरे घर में जितने जेंट्स लोग थे वो सबका नाम डाला इसमें। तो जब 8 साल के बच्चे का नाम डाला तो मुझे कैसे छोड़ देते यार, ठीक है, सीधी बात है। और गाँव में राजनीति होती है तो नेता लोग तो कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी को बदनाम करने के लिए। या मेरे लिए खुशी की इस बात की है कि जो हमारे ट्रेड के लोग थे, इंडस्ट्री के लोग थे, वो लोग मेरे साथ खड़े थे। किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने इस चीज़ को सच नहीं माना। लोग उस समय भी मेरे साथ खड़े थे, देखिए आज भी साथ खड़े, आज मैं यहाँ प्रोजेक्ट आके कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ मेरी पब्लिक को, और जो यहाँ के ट्रेड के लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मॉरली फिजिकली, जिस तरह से भी मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ उन लोगों को। और कुछ बोलना नहीं है खास, मुझे फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ था। और ये पेपर है, ये मैं आपके सामने देता हूँ ये मीडिया में, और इतना प्रूफ काफ़ी है मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैंने किया नहीं है, लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना, ये बुरी तरह से इतना गंदा रिमर फैल गया था कि मैंने एक बच्चे को मार दिया। गॉड, अरे यार, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा आज तक। मैं कराटे ज़रूर सीखता हूँ, लेकिन मेरा कराटे की प्रैक्टिस सिर्फ हॉल तक है, ठीक है। मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को जान क्या मारेंगे। तो ये इतना प्रूफ मुझे लगता है काफ़ी है, मैं अपने आप को प्रूफ करता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। प्रूफ
किया आपकी गवर्नमेंट ने, हमारी पुलिस ने किया, जो जुडिशरी सिस्टम है उन्होंने किया कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। अब इतना प्रूफ काफ़ी है और इस बारे में अब और कुछ नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई थिंक लगता है। थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू।